बर्ड की लंग्स की ग्रोथ उसके बॉडी वेट के हिसाब से, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि उसका एक तो लाइफ साइकिल छोटा रहता है, 40-50 दिन का रहता है, और कम समय में उसकी जो लंग्स है वो डेवलप नहीं हो पाते। हमारा जो इतना लाइफ साइकिल है बहुत बड़ा है, 80-90 साल तक हम जीते, वो उसमें हमारा पहले ही जो लंग्स है वो डेवलप हो जाता है। नमस्कार किसान भाइयों, पोल्ट्री महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि हम जो यूट्यूब पे वीडियो देखते, हम जिसको फॉलो करते, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम सही नॉलेज ले रहे हैं। एक गलत नॉलेज आपको पूरी पोल्ट्री आपकी बर्बाद कर देगा। तो मैंने एक वीडियो देखा था कल, शॉर्ट्स देखा था एक्चुअली, खुशी पोल्ट्री बॉक्स का। तो वो शॉर्ट्स ये था, यह आप भी कर सकते हो पोल्ट्री फार्म में चिक्स को साउंड की बीमारी से बचाने के लिए, ये शॉर्ट्स था, और उसमें ऐसे वो पर्दे खोल रहे। तो उनका ये पोल्ट्री फार्म है, अगर पोल्ट्री फार्म समझो आप, ये हमारा पोल्ट्री फार्म है, और वो क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ पर्दे खोल रहे हैं, ऐसा रस्सी लगाए उन्होंने, ऐसा यहाँ से ऐसा ऊपर खोलते हैं, तो चिक्स रहता है जब, तो यहाँ तक पर्दे रहते हैं उनके। अगर उनको पर्दे खोलने रहेंगे तो इसे ऊपर से खोलेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ खोलेंगे, तो ये बिल्कुल भी गलत है। जो अगर आप खुशी पोल्ट्री वो मेरी वीडियो देख रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो भर भर के मोर्टेलिटी हो रही है 1819 से के बाद, वो इस वजह से ही हो रही है। कोई भी नुस्खा तुटका करने से अच्छा ये, आप आपकी पर्दे की सिस्टम वो बदल लो, 50% मोर्टेलिटी आपकी कम हो जाएगी। क्योंकि बर्ड बर्ड का लंग्स है वो पूरा डेवलप कभी भी नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, उसको नीचे से पर्दे खोलोगे तो हाई ह्यूमिडिटी, अमोनिया और हाई टेम्परेचर क्या होता है, पोल्ट्री के ऊपर के साइड में जमा रहता है। अगर आप नीचे के साइड में पर्दे खोलोगे तो यहाँ से वो ठंडी हवा बहेगी, तो बर्ड को सीआरडी भी आएगी, और जो अमोनिया है वो अंदर अंदर ही रहेगा, तो बर्ड को वो परेशान करता रहेगा। क्योंकि आप अगर ऊपर से पर्दे खोलते हो, यहाँ से पर्दे खोलते हो, तो ये अमोनिया यहाँ से बाहर जाता है ऐसा। आप पर अगर आप नीचे से पर्दे खोल रहे हो तो आपका अमोनिया पोल्ट्री के अंदर ही रहने वाला है। जो लंग्स की ग्रोथ होने वाली है, अगर नॉर्मली 60-75% अगर ग्रोथ होती है लंग्स की, तो आपके बर्ड की लंग्स की ग्रोथ 60% तक ही हो जाएगी। तब जब वो 2 किलो का साइज का बर्ड आपका जाएगा, तो जो 60% जो लंग्स की ग्रोथ हुई है उसके कारण पूरा उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और अटैक की वजह से उनकी मॉर्टेलिटी हो जाएगी। आप पर्दे सही तरीके से खोलो, आपकी मॉर्टेलिटी कम हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ, मुझे लगता है उनको 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, एक्सपीरियंस मैटर नहीं करते, उसके साथ भी नॉलेज भी चाहिए आदमी को। तो डॉक्टर है, डॉक्टर और कंपाउंडर, उनमें क्या अंतर है? डॉक्टर के साथ तो कंपाउंड हर वक्त रहता है, पूरे 24 घंटे रहता है, तो उनमें क्या अंतर है? खाली नॉलेज का अंतर है। कंपाउंडर को सीमित 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 ही नॉलेज रहता है, डॉक्टर के पास पूरा नॉलेज रहता है। इनमें डॉक्टर जब पुराना होते जाता है, तो उसके नॉलेज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, नॉलेज के साथ वो और भी बेहतर हो जाता है, बेहतर डॉक्टर हो जाता है। कंपाउंडर क्या होता है, पुराना हो गया तो भी उसका नॉलेज सीमित है। इसीलिए जो आप नॉलेज यूट्यूब से कहीं से पोल्ट्री ट्रेनिंग से आप जो मिल रहा है वो सही है क्या, आपको ये देखना चाहिए। और मैंने एक केस पोल्ट्री का वीडियो देखा था, 14,000 बर्ड कैपेसिटी इसी पोल्ट्री का उनका वीडियो है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उन्होंने क्या किया है, एक इसी पोल्ट्री फार्म उन्होंने तैयार किया है, उसकी मुझे लगता है उन्होंने बोला है कि उनकी पोल्ट्री की लेंथ ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ भी कूलिंग पैड दिया है और यहाँ भी कूलिंग पैड दिया है, शायद मुझे लगता है यहाँ भी दिया है, साइड में दिया है, दो टाइप के कूलिंग पैड दिए। तो और यहाँ पे उनका फ़ैन रहेंगे, ये फ़ैन है इसी पोल्ट्री फार्म की। पोल्ट्री फार्म किस बेसिस से, क्या बेसिस पे काम करता है? निगेटिव प्रेशर। निगेटिव निगेटिव प्रेशर क्या प्रेशर, है? विंड चिल इफेक्ट,
और जो हम वेंटिलेशन रहता है। तो आपको मैं शॉर्टकट में बता दूं कि इसी पोल्ट्री पम्प क्या होता है। ये देखिए, ये बॉटल है, तो यहाँ पे अगर फैन लगे, ये देखो, ये जो ये अंदर बन रहा है, इसके अंदर जो खींचने से बन रहा है वो निगेटिव प्रेशर है। यही काम इसी पोल्ट्री फार्म करते हैं। तो यहाँ पे फैन रहेंगे तो यहाँ पे कूलिंग पैड रहते हैं। अगर आपने ये जो यहाँ पे भी होल मारा, यहाँ पे भी कूलिंग पैड दिया, तो निगेटिव प्रेशर आपका सही नहीं बनता है। और क्या प्रॉब्लम हो जाएगा उसमें, ये जो कूलिंग पैड दो दिया है उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? जब ये फैन यहाँ से हवा खींचेगा, ये कूलिंग के पैड के ऊपर भी पानी गिरेगा, ये कूलिंग पैड के ऊपर भी पानी गिरेगा। तो यहाँ से अगर 75% ह्यूमिडिटी आ गई, तो यहाँ से भी पानी गिर रहा होगा, तब जब यहाँ तक आ जाएगी तो यहाँ की ह्यूमिडिटी भी उसमें मिक्स हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, 100% ह्यूमिडिटी हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, इससे बर्ड में इकोलाई की समस्या आ जाएगी, क्योंकि उसका पूरा लीटर यहाँ से आगे तक गीला हो जाएगा। अगर इसी पोल्ट्री फार्म का ये रिपोर्ट भी नहीं आया, अगर अच्छा रिपोर्ट भी आया तो अच्छा इतना अच्छा नहीं आया जा आ पाएगा जितना इसी पोल्ट्री फार्म का आना चाहिए। तो ये बेसिक्स क्या होते हैं इसी पोल्ट्री फार्म के, हम देखते हैं। ये जो फैन होते हैं वो यहाँ से हवा खींचते 22,500 CFM का क्यूबिक फीट पर मिनट, इसका मतलब रहते हैं 22,500 CFM के ये फैन रहते हैं, वो हवा खींचते हैं। यहाँ पे कूलिंग पैड लगाते हैं, हमारे इंडिया में 6 इंच का कूलिंग पैड आता है, 350 फीट पर मिनट, ये इसका एयर वेलोसिटी रहता है कूलिंग पैड का। तो जब यहाँ से और भी इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इनको बेसिक नहीं पता है कि इसी पोल्ट्री फार्म कैसे काम करता है। आपने एक्यूवेदर ऐप देखा है? नहीं देखा है तो जाके देखिए। एक्यूवेदर में लिखा आता है कि आज का टेम्परेचर क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस, और उसके नीचे भी लिखा रखा है रियल फील। रियल फील क्या आता है, 40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर तो कांटे पे 35 दिखा रहा है, फिर भी जो रियल फील है वो 40 डिग्री सेल्सियस होता है। यही इसी पोल्ट्री फार्म का बेसिक है। जब ये फैन यहाँ से हवा खींचता है, वेंटिलेशन में भी 3 टाइप के होते हैं, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। जब ये फैन यहाँ से हवा हवा खींचते खींचता है हैं। तो क्या होता है कि यहाँ से निगेटिव प्रेशर अंदर बनने लगता है, यहाँ से हवा कूलिंग पैड से हवा बहने लगती है। तो अंदर जब बर्ड जो यहाँ रहता है तो उनके ऊपर से जब हवा जाती है तो उनको क्या फील होता है, उनको अगर अंदर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हमने पीआईडी कंट्रोल के ऊपर सेट किया है, पीआईडी कंट्रोलर ही कहूँगा, वो भी बाद में आपको समझाऊँगा, 30 डिग्री सेल्सियस में सेट किया है, तो बर्ड को क्या फील होगा, 25 डिग्री सेल्सियस। क्यों? उसको विंड चिल इफेक्ट कहते हैं। जब ऐसा पोल्ट्री फार्म बना दे ना हम, ऐसा पूरा ही रहता है, यहाँ पे सीट लगा देते तो यहाँ पे हम ताड़पत्री लगा देते हैं, वो विंड चिल इफेक्ट बढ़ाने के लिए रहते हैं। अगर मानो आप फार्म डिज़ाइन करते हैं, आपके जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं वो फार्म डिज़ाइन करता है, तो आपका रिपोर्ट नहीं आ रहा होता है, तो आप क्या करते हैं, 12,000 का अगर फार्म बनाया है तो आप 11,000 बर्ड डाल के देखेंगे उसमें रिपोर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 10,000 बर्ड डालेंगे। तो 10,000 बर्ड डालेंगे तब वो रिपोर्ट अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता, ये सब मैच हो जाते हैं उसका, ये फैन की कैपेसिटी, कूलिंग पैड की कैपेसिटी, जो CFM हमें कितना देना है वो मैच हो जाए होने लगता है। तो गलत तरीके से फार्म बनाने से आपका क्या होता है, जिसको फार्म के डिज़ाइन कैसे करते हैं ये जो जिसको पता नहीं होते, उससे क्या होता है कि आपकी फार्म की कैपेसिटी कम हो जाती है। अगर 12,000 बर्ड में रिपोर्ट नहीं आ रहा है तो आप 10,000 बर्ड डालने लगते हो, क्या फ़ायदा है इतना 30-40 लाख खर्च करके, क्या फ़ायदा है? तो मैं ये जो ऐसा फार्म डिज़ाइन करते हैं उनको यही कहना चाहता हूँ, बहुत मेहनत से फार्मर 30-40 लाख रुपए, खूब बहुत ही ज़्यादा होते, कम नहीं होते, वो फार्मर बहुत मेहनत से 30-40 लाख रुपए कमाते हैं, 5-6 साल उसको लग जाते हैं एक 30-40 लाख कमाने के लिए। तो आपको अगर फार्म डिज़ाइनिंग नहीं आता है तो मत करिएगा, आपको वेल्डरिंग का काम आता है तो वेल्डरिंग का काम करिएगा,
फार्मर के मेहनत के पैसे आप बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा। तो हम देखेंगे दूसरा वीडियो उनका है, उन्होंने पोल्ट्री फार्म में कूलिंग जो कंट्रोल पैनल है, पोल्ट्री फार्म में कंट्रोल पैनल ही नहीं लगा, ऐसा ही एमसीबी लगा दिया है। और फार्मर को, अगर मैं फार्म डिज़ाइन कर रहा होता, मेरा खुद का रहता, तो मैं फार्मर को यही सजेस्ट करता, आप इसी पोल्ट्री फार्म बनाऊँ मैं विदाउट कंट्रोल पैनल। विदाउट कंट्रोल पैनल इसी फार्म चलाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत यानी बहुत ही मुश्किल है। क्यों, आपको मैं समझाता हूँ। फार्म में कितने टाइप के वेंटिलेशन होते हैं? एक तो मिनिमम वेंटिलेशन, टनल वेंटिलेशन और ट्रांजिशन, तीन टाइप के वेंटिलेशन होते हैं। मिनिमम वेंटिलेशन का हम कब यूज करते हैं? ठंडी में यूज करते हैं हम उसका। टनल वेंटिलेशन का जो मैं अप्रैल 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जाने के बाद, यानी जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, तब टनल वेंटिलेशन, उसमें कूलिंग पैड हम चलाते हैं। और ट्रांजिशन वेंटिलेशन क्या है? देखो आप, जो कभी कभी ऐसा होता है कि दोपहर में तो बहुत गर्मी गिर रही है, यानी दोपहर में हमें कूलिंग पैड चलाना पड़ रहा है, और रात को हमें अलग टेम्परेचर बनता है, सब 15-16 तक जाता है, तो उसको वो ट्रांजिशन वेंटिलेशन कहते हैं। उसको जो डिफरेंस आ जाता है उसमें ट्रांजिशन वेंटिलेशन कहते हैं। तो फार्मर को ये बिल्कुल भी नहीं समझेगा, अगर एक नया फार्मर है, नई इसी फार्म बनाया, तो उसको बिल्कुल भी नहीं समझेगा कि इसमें अंतर क्या है, इसमें कितने कूलिंग पैड चलाना है, कूलिंग पैड का पर्दा कितना अंदर का बंद रखना है, वो उसको बिल्कुल भी नहीं समझेगा। तो इसीलिए एक अच्छा कंट्रोल पैनल की होना जरूरत होती है। तो कंट्रोल पैनल क्या है? हमारे यहाँ ऐसे है कि कूलिंग पैड 20 कंट्रोल पैनल क्या होता है? अच्छा, कंट्रोल पैनल रहता है जो इनसाइड टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर, निगेटिव प्रेशर निगेटिव प्रेशर हो गया, अमोनिया लेवल, इनका कॉम्बिनेशन करके कूलिंग पैड को कमांड देता है, कूलिंग पैड और फैन को कमांड देता है, वही अच्छा कंट्रोल पैनल है। हमारे जो इंडिया में कंट्रोल पैनल बन रहे हैं वो पीआईडी कंट्रोलर है खाली। पीआईडी कंट्रोल क्या होता है कि खाली टेम्परेचर 25 से 24 हो गया तो हीटर चलाओ, नहीं तो 25 से 26 हो गया, अगर बढ़ रहा है 30 31 हो गया तो कूलिंग पैड चलाओ और फैन चलाओ, ये बिल्कुल भी गलत है। उसमें जो विंड चिल इफेक्ट है, विंड चिल इफेक्ट है, उसका कैलकुलेशन नहीं आता है, ह्यूमिडिटी का कैलकुलेशन नहीं आता है। अच्छा कंट्रोल पैनल रहेगा वो सबका कैलकुलेशन करेगा और कमांड देगा, फिर वही आपको अच्छा रिपोर्ट निकल के दे सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप फार्म डिज़ाइन करो तो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से और अच्छे कंपनी से करो। एक फार्मर में मुझे कल बोला था कि पैसा कमाना सिखाओ, अगर आपको पैसा कमाना है तो आप शेयर मार्केट में जाओ, मैं तो यही कहता हूँ। क्या कहते हो राकेश झुंझुनवाला, शेयर मार्केट कितने कितने लोग शेयर मार्केट करते? कमेंट करो, आप कमेंट करो, आप इतने लोग शेयर मार्केट करते हैं। तो राकेश झुंझुनवाला और दमानी जी क्या कहते थे कि दमानी तो है, राकेश झुंझुनवाला चले गए, राकेश झुंझुनवाला क्या कहते थे? अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो मैं भी ये फार्मर को यही कहना चाहता हूँ, एक अच्छे कंपनी से, जो रेप्यूटेड कंपनी है, जिनको पता है कि फार्म कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ऐसे कंपनी से आप फार्म डिज़ाइन करो।